यूपी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मंसूबे वाले पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट की धरपकड़ में उत्तर प्रदेश एटीएस को लगातार सफलता मिल रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बीते दिनों करीब 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पूछताछ में कई राज भी उगले हैं। 5 अगस्त 2020 के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में झोंक दी थी और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए उसने उत्तर प्रदेश, खासकर अयोध्या के करीबी जिले गोंडा के युवाओं को पैसा और खूबसूरत लड़कियों का झांसा देकर अपना एजेंट बनाने का मिशन शुरू किया। आईएसआई ने अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर गोंडा जिले में अपना नेटवर्क किस कदर मजबूत बना लिया है वो इस बात से पता चलता है कि बीते 15 दिनों में 5 आईएसआई एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं और करीब 1 दर्जन अब भी सुरक्षा एजेंसीज के रडार पर हैं। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटी आईएसआई के एक के बाद एक भारत में तैयार किए गए जासूसों को गिरफ्तार करने में एटीएस कामयाब हो रही है। जी हां, बीती 16 जुलाई को सलमान अरमान रईस के बाद अब अरशद को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, अरशद को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है और बड़ी जानकारियां ये मिल रही हैं एटीएस के सूत्रों से कि इन तीनों का कनेक्शन सीधे गोंडा से था, अरशद लखनऊ का रहने वाला था। इन तीनों का ब्रेन वॉश किया गया, खासतौर पर गोंडा को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां से अयोध्या का फासला बहुत कम है, यानी एएसआई का सबसे प्राइम टारगेट अयोध्या हो सकता है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इन तीनों के पास से मिले मोबाइल फोन से अयोध्या की तमाम वो वीडियोज, तमाम फुटेजेस मिली हैं जो उन्होंने साझा भी की थी। आईएसआई के नापाक मंसूबों के बारे में जो जानकारी मिल रही है एटीएस के सूत्रों द्वारा कि अब पाकिस्तान चाहता है कि अयोध्या के राम मंदिर का शिलान्यास के बाद अब जब उद्घाटन होना या दर्शन शुरू होंगे जनवरी से पहले, तब अपने किसी नाकाम मंसूबे को अंजाम दे दे और इससे रोकने के लिए अब एटीएस ने भी अपनी चाक चौबंद व्यवस्था और मुखबिर तंत्र को और एक्टिवेट किया है। देश की खुफिया एजेंसियां भी लगातार एक के बाद एक मॉनिटरिंग कर रही हैं, एक के बाद एक जानकारियां मुहैया करा रही हैं। साथ ही साथ अब अरशद से, जिसका नाम मुकीम और उर्फ अरशद बताया जा रहा है, उसको भी रिमांड पर लिया जा रहा है जिससे और भी पूछताछ होंगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है कि इनके नाकाम हो चुके जो मंसूबे हैं वो अयोध्या में कुछ गड़बड़ी फैलाने के थे, अयोध्या में रूमर्स फैलाने के थे, जिसके बाद कई एक बड़े खुलासे और देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।